शांति। 14/9/2021 की साकार मुरली। मीठे बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। प्रश्न, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? उत्तर, अगर यह स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है वर्षा लेने के लिए, बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं, हमें गीता सुना रहे हैं, यह स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा करा देगी। ओम शांति। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो शिव बाबा की याद में, तो तुम जानते हो हम तो तुम जानते हो वह हमको सुखधाम का मालिक फिर से बना रहे हैं। बच्चों की बुद्धि में अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए, यहाँ बैठे बच्चों को खजाना मिलता है ना। अनेक प्रकार के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में किसी की भी बुद्धि में यह बातें नहीं रहती। तुम ही जानते हो कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम अभी सुखधाम का मालिक बन रहे हैं। सुख और शांति का वर्षा हम कल्प कल्प कैसे लेते हैं? सुख और शांति का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। कल्प पहले भी बहुत मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सोए खत्म हो गए थे। फिर भी ऐसे ही होगा। बच्चे समझते हैं हमको बाप ने अडॉप्ट किया है, वह हमने शिव बाबा की धर्म गोद ली है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, हम सच्चा सच्चा गीता का पाठ सुन रहे हैं। हम बाबा से फिर से राजयोग और ज्ञान बल से वर्षा लेते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात अंदर में आने चाहिए ना। बाप भी आकर खुशी की बातें बतलाते हैं। बाप जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठ काले भस्मीभूत हो गए हैं, इसलिए अमर लोक से मृत्यु लोक में आता हूँ। तुम फिर कहते हो हम मृत्यु लोक से अमर लोक जाते हैं। बाप कहते हैं हम मृत्यु लोक में जाता हूँ जहाँ सबकी मृत्यु हो गई। उनको बच्चे जानते हैं, उनको बुलाया ही जाता है, हे पतित पावन बाबा आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ, दुख हर कर सुख दो, इसमें जादू की कोई बात नहीं है। बाप आते ही हैं कांटों से फूल बनाने। तुम जानते हो हम ही सुखधाम के देवता थे, सतो प्रधान थे। हर एक को सतो प्रधान से तमो प्रधान में आना ही है। बच्चों को यहाँ बैठने समय तो और ही मजा आना चाहिए, याद आनी चाहिए। बाप को ही सारी दुनिया याद करती है। हे लिबरेटर गाइड, हे पतित पावन आओ, बुलाते तब हैं जबकि रावण राज्य में है, सतयुग में थोड़े ही बुलाते हैं। यह बातें बड़ी सहज समझने की हैं। यह किसने सुनाई? बाप की महिमा करेंगे, टीचर सदगुरु की भी महिमा करेंगे, तीनों एक ही हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में है। यह बाप टीचर सदगुरु भी है। शिव बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। पतित जरूर दुखी होंगे। सतो प्रधान सुखी, तमो प्रधान दुखी होते हैं। इन देवताओं का कितना सतोगुणी स्वभाव है। यहाँ मनुष्यों का कलयुगी तमोगुणी स्वभाव है। बाकी हाँ, मनुष्य नंबरवार अच्छे व बुरे होते हैं। सतयुग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि यह खराब, यह ऐसा है। वहाँ बुरे लक्षण कोई होते नहीं, वह है ही दैवी संप्रदाय। हाँ, साहूकार और गरीब हो सकते हैं,
बाकी अच्छे व बुरे गुणों की भेंट वहाँ होती नहीं, सभी सुखी होते हैं, दुख की बात नहीं। नाम ही है सुखधाम, तो बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हो। कहेंगे कोई तो इन्हों को सिखलाने वाला होगा, यह तो भगवान उवाच है ना। भगवान को अपना शरीर नहीं है, वह आकर लोन लेते हैं। गाया भी हुआ है भागीरथ, तो जरूर रथ पर विराजमान है, बैल पर थोड़े ही आएगा। शिव और शंकर इकट्ठा कर दिया है, तब बैल दे दिया है। तो बाप कहते हैं तुमको कितना खुश होना चाहिए, हम बाप के बने हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे हो। बाप को पद पाने की खुशी नहीं है, टीचर तो टीचर है, उनको पढ़ाना है। बाप कहते हैं बच्चे मैं सुख का सागर हूँ, अभी तुमको अतिंद्रिय सुख भासता है। जब हमने तुमको एडॉप्ट किया है, एडॉप्शन तो किस्म किस्म की होती है। पुरुष भी कन्या को अडॉप्ट करते हैं, वह समझती है यह हमारा पति है। अभी तुम समझते हो शिव बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है। दुनिया में इन बातों को नहीं समझते उन्हों की वह अडॉप्शन है, एक दो पर काम कटारी चलाने की। समझो कोई राजा बच्चे को गोद में लेता है, एडॉप्ट करता है सुख के लिए, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। सन्यासी भी अडॉप्ट करते हैं ना, वह कहेंगे यह हमारा गुरु है, वह कहेगा यह हमारा फॉलोअर्स है। कितनी अडॉप्शन है, बाप बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, उनको सुख तो देते हैं, फिर शादी कराने से जैसे दुख का वर्षा दे देते हैं। गुरु की अडॉप्शन कितनी फर्स्ट क्लास है, यह फिर है ईश्वर की अडॉप्शन, आत्माओं को अपना बनाने की। अभी तुम बच्चों ने सबकी अडॉप्शन को देख लिया है, सन्यासियों के होते हुए फिर भी गाते रहते हैं हे पतित पावन आओ आकर हमको अडॉप्ट कर पावन बनाओ। सब ब्रदर्स हैं, परंतु जबकि आकर अपना बनाए ना, कहते हैं बाबा हम दुखी हो पड़े हैं, रावण राज्य का भी अर्थ नहीं समझते हैं। एफीजी बनकर बनाकर चलाते रहते हैं, जैसे कोई दुख देते हैं तो समझते हैं इन पर केस चलाना चाहिए, परंतु यह कब से दुश्मन बना, आखरीन यह दुश्मन मरेगा या नहीं, इस दुश्मन का तुमको ही मालूम है। उन पर जीत पाने के लिए तुमको एडॉप्ट किया जाता है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। विनाश होना है, एटॉमिक बॉम्ब्स भी बने हुए हैं, इस ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकलती है। अभी तुम जानते हो रावण पर विजय पाकर फिर नई सृष्टि पर राज्य करेंगे, बाकी तो सब गुड़ियों का खेल है। रावण की गुड्डी तो बहुत खर्चा कराती है, मनुष्य बहुत पैसे फालतू गंवाते हैं, कितना रात दिन का फर्क है। यह भटकते दुखी होते धक्के खाते रहते हैं, और हम अभी श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी सतयुगी स्वराज्य पा रहे हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सतयुग स्थापन करने वाला शिव बाबा हमको श्रेष्ठ देवता विश्व का मालिक बनाते हैं। श्री श्री शिव बाबा हमको श्री बनाते हैं। श्री श्री सिर्फ एक को ही कहा जाता है, देवताओं को श्री कहा जाता है, क्योंकि वह पुनर्जन्म में आते हैं ना। वास्तव में श्री विकारी राजाओं को भी नहीं कह सकते हैं। अभी तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम जानते हो कि हम इस पढ़ाई से डबल सिरताज बनते हैं, हम ही डबल सिरताज थे, अभी तो सिंगल ताज भी नहीं है, पतित है ना। यह लाइट का ताज किसको लगा नहीं सकते। इन चित्रों में जहाँ तुम तपस्या में बैठे हो वहाँ लाइट का ताज नहीं देना चाहिए, तुमको डबल सिरताज भविष्य में बनना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से डबल सिरताज महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं, वह यह खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा को याद करना चाहिए तो पतित से पावन वन स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। यहाँ तुम स्टूडेंट बैठे हो,
वह बाहर मित्र संबंधियों आदि के पास जाने से स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है, फिर मित्र संबंधी याद आ जाते हैं। माया का फोर्स है ना, हॉस्टल में रहने से पढ़ते अच्छा है, बाहर आने जाने से संग दोष में खराब हो जाते हैं। यहाँ से बाहर आते तो फिर स्टूडेंट लाइफ का नशा गुम हो जाता है। पढ़ाने वाली ब्राह्मणियों को भी वहाँ बाहर में इतना नशा नहीं रहेगा जितना यहाँ रहेगा। यह हेड ऑफिस मधुबन है, स्टूडेंट टीचर के सामने रहते हैं, गोरख धंधा कोई नहीं, रात दिन का फर्क है। कोई तो सारे दिन में शिव बाबा को याद भी नहीं करते, शिव बाबा के मददगार नहीं बनते। शिव बाबा के बच्चे बने हो तो सर्विस करो, अगर सर्विस नहीं करते तो गोया वह कपूत बच्चे हैं। बाबा तो समझते हैं ना, इनका फर्ज है कहना मुझे याद करो, फॉलो करो तो बहुत बहुत कल्याण है। विकारी संबंध तो भ्रष्टाचारी हैं, उनको छोड़ते जाओ, उनके संग नहीं रखो, उनसे संग नहीं रखो। बाप तो समझाते हैं, परंतु किसकी तकदीर में भी हो ना, बाबा कहे चाट रखना है, इसमें भी बहुत कल्याण होगा। कोई घंटा भी मुश्किल याद में रहता होगा, 8 घंटा तो अंत में पहुंचना है, कर्मयोगी तो हो ना। कोई कोई को उमंग कभी कभी आता है तो चाट रखते हैं, यह अच्छा है, जितना बाप को याद करेंगे फायदा ही है। गाया हुआ है अंतकाल जो हरि को सुमरे। वल, वल का अर्थ क्या है? जो अच्छी रीति याद नहीं करते हैं तो जन्म जन्मांतर का बोझ जो है वह वलवल बार बार जन्म देकर साक्षात्कार कराए फिर सजा देते हैं। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो झट पापों का साक्षात्कार होता है, महसूस करते हैं हम पापों की सजा खाते हैं, बहुत मोचरा खाने वाले हैं। बाबा की सर्विस में जो विघ्न डालते हैं वह सजाओं के लायक हैं। बाप की सर्विस में बाधा डालते हैं जिसका राइट हैंड धर्मराज है, बाप कहते हैं अपने साथ प्रतिज्ञा करो, क्योंकि बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो नहीं। बाप प्रतिज्ञा कराते हैं, करो ना करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा। बहुत हैं जो प्रतिज्ञा करते हैं फिर भी बुरे काम करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, परंतु वह बात अभी बुद्धि में आती है कि आत्मा क्यों ऐसे गाती आई है। सारा दिन गाते रहते हैं, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, यह तो संगम पर बाप आए तब अपने घर ले जाए। कृष्णपुरी में जाने के लिए तुम पढ़ते हो ना, प्रिंसेज कॉलेज होते हैं, वहाँ प्रिंस प्रिंसेज पढ़ते हैं, वह तो है हद की बात, कभी बीमार पड़ते कभी मर भी जाते। यह तो है प्रिंस प्रिंसेज बनने की गॉडफादरली यूनिवर्सिटी, राजयोग है ना। तुम नर से नारायण बनते हो, तुम बाप से वर्षा ले सतयुग का प्रिंस प्रिंसेज बनते हो। बाप कितनी मजे की बातें बैठ सुनाते हैं, याद रहना चाहिए। कोई तो यहाँ से बाहर निकले तो फंस जाते हैं, बाप को याद भी नंबरवार करते हैं। जो जास्ती याद करते होंगे वह औरों को भी याद कराते होंगे। बुद्धि में यही रहना चाहिए कि कैसे बहुतों का कल्याण करें। बाहर वाले प्रजा में दास दासी, यहाँ वाले फिर राजाओं में दास दासी बनेंगे। आगे चल सब साक्षात्कार होता जाएगा, तुम भी फील करेंगे बरोबर हमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया, बहुत चमत्कार देखेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही नवाब बनेंगे। बाप कितना कहते रहते हैं सेंटर्स को प्रदर्शनी देता हूँ तो बच्चों को सिखाकर होशियार बनाएं, तब बाबा समझेंगे बी के सर्विस करना जानती हैं, सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, इसलिए बाबा प्रदर्शनी बनाने पर जोर दे रहे हैं। यह चित्र बनाना तो बहुत कॉमन चीज़ है, हिम्मत कर प्रदर्शनी के चित्र बनाने में मदद करनी चाहिए तो समझाने में बच्चों को सहज होगा। बाबा समझते हैं टीचर्स मैनेजर्स ठंडे हैं, कोई कोई ब्राह्मणियाँ मैनेजर बनती हैं तो देह अभिमान आ जाता है, अपने को मियाँ मिट्ठू समझती हैं, हम बहुत अच्छी चलती हैं, दूसरों से पूछो तो 10 बातें सुनाएंगे। माया बड़ा चक्कर में डालती है,
बच्चों को तो सर्विस और सर्विस में रहना चाहिए। बाप रहम दिल दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी बनना है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे, कितना सहज है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन वन तुम शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। निश्चय हो तो फिर एकदम लिखवा लेना चाहिए। लिखते भी हैं बरोबर, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, तो समझेंगे ऐसे बाप का तो जरूर बनना चाहिए, शरण पढ़ना चाहिए। तुम बाप की शरण पड़े हो ना, अर्थात गोद में आए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप समान रहम दिल दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरा, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, एक बाप को ही फॉलो करना है, बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है, कभी अहंकार में आकर मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। वरदान, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे संकल्प से ही सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। स्लोगन, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। ओम शांति। आप दृष्टि यूं